रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 7वां दिन है और आज बताया जा रहा है कि आज रूस खार्किव और कीव पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो ताज़ा अपडेट आया है उसमें बताया जा रहा है कि पुतिन के पैराट्रूपर्स खार्किव में उतर चुके हैं और खेरसन पर कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। ये युद्ध इतना ज़्यादा भयानक हो चुका है कि पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को उथल पुथल मचा रखा है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों में लगातार हमले बढ़ जा रहे हैं। यहां 24 घंटों में हुए हमलों में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं और 112 लोग घायल हो चुके हैं। आज सुबह रूसी पैराट्रूपर्स ने भी खार्किव में एक अस्पताल पर हमला किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए। इधर रूस खेरसान शहर पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले 24 घंटों के भीतर कीव पर भी पूरी तरह से रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत का दूसरा फेज यानी बुधवार को पोलैंड में होगा। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने कहा कि जब तक यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमला जारी रहेगा तब तक शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तरफ रूस बातचीत की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ पूरी तरह से अपनी फौज लेकर वो यूक्रेन पर हावी हो रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर रूस बातचीत में विश्वास रखता है तो उसे तुरंत जो है कार्रवाई रोकनी होगी, उसके बाद ही शांति की गुंजाइश की जा सकती है। अमेरिका ने भी अमेरिकी हवाई क्षेत्र से रूसी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए $3 अरब की मदद भेजेगा, जिसमें से $35 करोड़ अगले हफ्ते तक भेज दिए जाएंगे। पूरी दुनिया में इस समय यूक्रेन की तरफ जो है लोगों की सहानुभूति है, क्योंकि यूक्रेन पर जो धावा बोला है रूस ने, कहीं ना कहीं इससे यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसी वजह से यूक्रेन के लोग